जो प्रिंसिपल है, इसने 60 लड़कियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने का काम किया, उन भी छोड़ा है, और बहुत सारी लड़की, कई लड़कियों की तो हमने यहाँ तक सुना कि सुसाइड भी कराया है। इस प्रकार के जो भेड़िए है, वस्के भेड़िए है, उनके खिलाफ काला मुंह करके गद्दा भी बिठाए देंदे, देश लिकाड़ा दे दे कर दे, आज उसी न्याय की जरूरत है। फिर भी आप बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरह बेटी बचाओ, एक बड़ा मामला सरकारी स्कूल सामने आया है, स्कूल के प्रिंसिपल ने ही जो तक भी पता चला है कि एक महिला लेक्चरर है जो इसकी मित्र है, महिला मित्र है, और वही सारे काम इन लड़कियों से करवाती थी, उसी की सैप है, वो डराती थी, धमकाती थी, और बच्चियों को स्कूल से निकालने का भय दिखाती थी, तारे पेपर में फैल करने का भय दिखाती थी। जो छात्राएं थी उनके साथ है, जो छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, लड़कियां इतनी मजबूर थी, अपनी शिकायतें किसी को बताती थी तो कोई सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने लास्ट में जाकर ना राष्ट्रपति जी को, महिला आयोग को लेटर लिखा, उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई है। तो उचाना मैं आजाद पाला जी हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है, इनसे बातचीत करांगे, क्योंकि माता पिता के बाद है दूसरा दर्जा है जो गुरु जी ने मिला है, क्योंकि गुरु वो है जो खुद तपका ना अपने जो बच्चे हैं, जो शिष्य है उनके जीवन में उजाला करा है, लेकिन जब शिक्षक ही इस तरह से करेंगे तो बेटियां कहां तक सुरक्षित होंगी। तो बातचीत करांगे, बड़ा मामला 60 लड़कियां जो इस मामले में सामने आई है, और ऑफिस में काले शीशे लग रहे हैं, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में काले शीशे, काले शीशे क्यों लगाए गए हैं, सारी की सारी बातचीत है जो प्रधान जी तक करें। प्रधान जी राम राम। राम राम जी आपको और आपके दर्शकों को राम राम। प्रधान जी बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरह बेटी बचाओ, क्योंकि माँ बाप है, माँ बाप के बाद दूसरी जिम्मेवारी शिक्षकों के पास हुआ है, विश्वास के साथ स्कूल में भेजे कि उनका भविष्य बनेगा, लेकिन स्कूल में इस तरह मामले आ रहे हैं, स्कूल का जिम्मेवार व्यक्ति प्रिंसिपल इस तरह के मामले को अंजाम दे रहा है। भाई पहले तो इतनी बड़ी घटना घटी है, बड़ी दर्दनाक घटना है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जैसे कि आपने प्रश्न किया भाई बेटी किससे बचाई, बेटी एक तो सरकार के जो ये प्रतिनिधि है नहीं, जनता द्वारा ही चुने हुए प्रतिनिधि है, और जो मुख्य पदों पर बैठे हैं, हम तो नुकबे सरकार ही से अपनी बेटी बचाओ, और अब तो जैसे गुरु किया होता था भाई, शिक्षक तो गुरु होता है, लेकिन गुरुओं से भी हमने बेटी बचानी पड़गी, सरकार से बेटी बचानी पड़गी, लेकिन बेटियों को बचाएंगे कहाँ कहाँ, बेटी ये देश बेटियों के रहने लायक नहीं रहा। अब तो ये बात होगी, जो प्रिंसिपल है इसने 60 लड़कियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने का काम किया, और बहुत सारी लड़की जो अपने समाज के ताने बाने से शर्मसार हो कहने भाई, जिसको मान सम्मान पर वो नहीं पहुंचे, तो वो चुप भी बैठी है, बहुत सारी लड़कियां स्कूल भी छोड़ा है, और बहुत सारी लड़की, कई लड़कियों की तो हमने यहाँ तक सुना कि सुसाइड भी कराया है, लेकिन सरकार फिर लिपापोती कर रही है। इसको तो पहले से इच्छा भी नहीं, पहले जब पता चल गया था स्टाफ को, स्टाफ ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई, तो स्टाफ भी दोषी है, और एक तो यहाँ तक भी पता चला है कि एक महिला लेक्चरर है जो इसकी मित्र है, महिला मित्र है, और वही सारे काम इन लड़कियों से करवाती थी, उसी की सैप है, वो डराती थी, धमकाती थी, और बच्चियों को स्कूल से निकालने का भय दिखाती थी, तारे पेपर में फैल करने का भय दिखाती थी, तुम्हारे परिवार को बता देंगे भाई तुम किसके साथ घूमती हो, तुम्हारा चाल चलन अच्छा नहीं है, तुम्हारे घर के पढ़ाई छटवा देंगे, इस प्रकार का प्रेशर बनाती थी। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन बेटियों को दबाव में और प्रेशर में इस प्रकार की घटना घटी, और उस तो पहला भी दी होगी, हाँ शिकायत की है, शिकायत पर कोई संज्ञान तो नहीं लिया गया, यही तो एक्सपर्सन है। और जब इस प्रकार की जो देखो शिक्षा का मंदिर होता है स्कूल, और वो भी लड़कियों का स्कूल, जिसमें इस प्रकार की इसका बैकग्राउंड भी देखते हैं भाई, कैसा बैकग्राउंड है इस शिक्षक का, लेकिन इसका बैकग्राउंड बिल्कुल गंदा रहा है, ये जहां भी लग गया है इसने ओछी घटना को अंजाम दिया है। स्कूल से पहले जहां ड्यूटी थी वहां भी इस तरह के अंजाम दिया क्या? बिल्कुल दिया है इसने, इसीलिए तो ये प्रश्न उठता है कि इसको एक इलाके, हमारे इलाके के बहुत बड़ा राजनेता का इसके ऊपर हाथ है, और वही इसके बचाव में लग रहा है। ये जांच का विषय है कि वो कौन है नेता, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने इसकी मदद करी है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और इसको कड़ी से कड़ी सजा सरकार देने का काम करे, वरना हमने तो अल्टीमेटम दे दिया कि सोमवार को यहाँ पर खा पंचायतों को, किसान संगठनों को बुला के यहाँ पर कोई बड़ा निर्णय लेने का काम करे। मतलब चोर तो मिल गया, चोर की मौसी ने पकड़ने का प्रयास है कि कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पहले भी इस तरह के मामले, उसके बाद लड़कियों के स्कूल में प्रिंसिपल लगाया गया, अगर और बॉय स्कूल भी सुनने में भी लगा सके थे, बिल्कुल लगा सके थे, क्यों इसने सस्पेंड करके डिसमिस करके घर भी तो बिठा सके थे,
यो कि मैं बड़ा बाप का है कि भाई इसने यो राजे रजवाड़े थोड़े है। अब देश के अंदर प्रजा का राज है और देश के अंदर संविधान काम करता है। अगर क्यों गलत काम करता है तो उसको तो, जबकि ये तो शिक्षक था, जब शिक्षक ही बक्षक बन जाएगा तो उसको नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं। इसको घर बिठाए देना तो चाहिए था पहले। लेकिन किस राजनेता ने इसकी मदद करी है, किस राजनेता ने इसके यहाँ पर लगाया है यो लड़कियों के स्कूल में, तो ये सारे जांच का विषय है। ये बड़े इसके पीछे बहुत बड़े राजनेता का हाथ है। काले शीशे उसमें लगाना कितना सही मानो जब स्कूल में कितना स्कूलों में किताब नहीं, स्कूलों में ये बैठने ना फरस ये टाट नहीं, तो कोई सुविधा को नहीं, पढ़ने खातर किताब को नहीं, तो वो काले शीशे लाए बैठा है। जबकि सरकार तो स्कूल बंद करने पर लग रही है। लेकिन ये तो जांच का विषय है भाई, क्यों लगाए गए और किसकी सह थी। लेकिन पुलिस खुद जब यो एक राजनीति नेता का संरक्षण में बैठा, इसलिए पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर रही। पुलिस को सब पता है भाई कहाँ बैठे, आज भी पता है, लोगों को पता है, पुलिस को पता है, लेकिन क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही। महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने खोजा 24 घंटे टाइम देगी पुलिस गिरफ्तार करो, क्योंकि कुछ वो 24 घंटे तो लिए, वो तो परसों दे आता 24 घंटे तो लिए, लेकिन गिरफ्तार तो कौन कर गया। ये सिर्फ सरकार की मिली भक्ति से इस प्रकार का हो रहा है। अगर सरकार चाहे तुरंत तुरंत गिरफ्तार करके और इसकी ट्रायल कराए के ना फास्ट ट्रैक और इसको सलाखों के पीछे पहुँचाने का काम करे। जी प्रधान जी, अब भी गिरफ्तारी नहीं हुई तो इस तरह मामले और ही बढ़े हैं फिर तो। अगर गिरफ्तारी हो तो डर भी बैठेगा कि हाँ इस तरह कार्रवाई हो उसका है, तो के मानो आप किस तरह थे उनके ऊपर कार्रवाई हो उसका है, समाज ने प्रशासन ने किस तरह कदम उठाना। भाई आज बिल्कुल बह का माहौल है, कोई भी बाप नहीं चाहता, ना बेटियों को खिलाना चाहता, ना बेटियों को पढ़ाना चाहता, क्योंकि बेटियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम तो समाज ने कहे भाई खुल का आज सरकार के खिलाफ जो ये अच्छे हथकंडियाँ पर लग रही है और इस प्रकार के जो भेड़िए हैं वस के भेड़िए हैं उनके खिलाफ, जिस प्रकार हमारे बुजुर्ग पहले सजा देते थे नहीं, काला मुंह करके गद्दा भी बिठाए देते, देश लिकाड़ा दे दे कर दे, आज उसी न्याय की जरूरत है। फिर भी आप किस तरह सजा मानोगे, समाज इस तरह की सजा देगा। बिल्कुल, अगर सरकार कुछ नहीं करेगी, वैसे तो इस प्रकार के लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी फिर तो समाज ने उठना उठ खड़ा होना चाहिए। एक नई क्रांति लाने की जरूरत है और खाप पंचायतों को और सामाजिक संगठनों को और किसान संगठनों को आगे आने की जरूरत है। और आगे आए कहने और परसों आए कहने अपनी इस बात पर अपना अपना विचार भी दें और अपना अपना कोई हम बड़ा फैसला लेने का काम करें। सोमवार को इकट्ठा, सोमवार को फिर इकट्ठा। प्रधान जी क्या कहें, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल में इस तरह के आरोप, और उन लड़कियों ने 5 पेज का एक लेटर भेजा है जिस पर कार्रवाई हो रही है। देखो ये 5 पेज का तो जी भेजा है, जी सिर पर को पानी जा लिया। लड़कियों ने 12 सितंबर को स्कूल के स्टाफ को यह शिकायत दर्ज करवा दी थी, उसके बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए दहाड़ में कुछ काला है। जब हम बीओ ते मिले ओ नु कहवा मन्ने खुद कि 3 बारी दोहरा करा, 3 बारी काले शीशे पाए। उसकी स्कूल में महिला टीचर है, इसको बदला नहीं जाता, महिला टीचर को बदल दिया जाता है, और इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक बू आती है, इसका पछला पूरा का पूरा रिकॉर्ड खराब है, उसके बावजूद इसकी 50 साल तक कम उम्र है और उसके बावजूद भी इसको लड़कियों के स्कूल में प्रिंसिपल बिठा दिया जाता है, तो इससे और तो घिनौनी बात क्या हो सकती है। मैं तो अपील करता हूँ इस पूरे समाज को, इन खाप पंचायतों को, इन संगठनों को आगे आना चाहिए, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, तभी हम हमारी बेटियों को बचा सकेंगे। यदि वो आज भी बच गया तो आने वाले समय में हमारी बहन बेटियों का आपस स्कूल में नहीं भेजेंगे और समाज को एक बहुत ही बड़ा खतरा होगा। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि सोमवार को 6 तारीख को से ज़्यादा संख्या में टाइम बता दीजिए प्रधान जी कितने बजे, सुबह 10 बजे उचाणा तहसील परिसर में पहुंचे और ऐसे भेड़ियों को सजा दिलाने का काम करें। ताऊ जी बेटी बचाओ सरकार का नारा रहा, किस तरह बचाओ बेटी, क्योंकि जहां पर भविष्य के लिए भेजा जाओ वहां पर इस तरह का मामले सामने आ रहे हैं। भाई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारा कहने के लिए तो ठीक है, हालांकि उस धरती पर तो को नहीं, बेटी तो इन्हें बेटियों से बचाई जाओ तो ठीक है। यह सरकार और प्रशासन यही बेटी हो रही हाथ, तो स्कूल है ये प्रशासन के आदमी हैं, यही बेटी हो रहे हैं। ऑफिस में जाओ उड़े बलात्कार, उड़े छेड़छाड़, और जाओ उड़े छेड़छाड़, राज में जाओ उड़े छेड़छाड़। नारा तो ठीक दिया नहीं, भाई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, भाई बेटी मारे थे बचाओ ना कि और किसी थे, इन्हें तो बचानी औखी हो रही हैं।
और फिर भाई रही बात पढ़ाने की, आप सारे चावे मारी बे बत्ती पढ़े भी, प्लेयर भी बने, गोल्ड मेडल लेके भी आवर आव भी हैं, तो फिर क्यों कर लियाँगे मेडल है। मेडल लेके आए तो दिल्ली में देख लिया आपने, मैंने बाल पकड़ के खांसी हैं, उस मेडल का कोई फल नहीं भाई, गंगा में बहन गई फिर भी रोक दी। यानी सरकार तो गंदी हरकत बहुत रही है, अगर प्रशासन कुछ हिम्मत करे है, और भाई समाज से हुई आग गाँव है, खाप चौधरी आग गाँव है, तो इस पर कोई संज्ञान हो जगह नहीं, जो अने खाली थी काट देंगे। राष्ट्रपति को लेटर लिख रखा है, महिला आयोग को लेटर लिख रखा है, और जिला स्तर में कार्य चल, लेकिन अब तक भी गिरफ्तारी नहीं, क्या मानो आप, कितनी बड़ी पावर इसके पीछे है? इनकी होंगी भी को नहीं, पावर के हिसाब से तो खड़ा ही हूँ, अगर पावर ना होंगी नहीं पहले कर देंगे थी, कैंसिल कर देंगे, काटो बैठी स्कूल में से, कई स्कूलों में थी क्षेत्र का कराया यू काम, और यू काटा नहीं अब तक भी, मारा कहना यू है पहले कार्य जिंदो यू दब जनता, मतलब इसके तो सले बुला दूंगा, आम तो आज भी फांसी की मांग कर रहा, अगर मारी मानने नहीं कोई इसको फांसी दो, छोटी कोर्ट ने कैथल में फांसी दी है, और सबके कान खड़े हो रहे हैं, वह फांसी दे दी, और सब ने ताड़ी बजाई वे फांसी दी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फांसी दिया अर्दा, हालांकि जमा लोकल सेशन जज ने फांसी दी है, तो इनको फांसी दो सड़ों को, अगे बह हो जे बच्चा गए बच्चे पढ़े खुले हो गए जावे, यानी खुले तो कोई बच्चे, माँ बाप के बाद है जो गुरु का दर्जा दिया जावे है, तो के मानो आप गुरु है इस तरह के काम करा है जो छात्राओं के साथ है, तो परिवार जा कि सेफ है मेरे बच्चे वहाँ पर मास्टर जी साथ में है, तो लेकिन इस तरह का मामला सामने आ रहा है भाई, कोई बच्चे नहीं, आप हम विश्वास करा मास्टर पे, वह गुरु है, और गुरु का दर्जा भगवान का रूप हुआ है, भगवान ने अगर कहा बेचा नहीं अपने जवान बच्चे ने कौन बेचेगा, उनके विश्वास में बेचा, हाँ हालांकि विश्वास में सरकार प्रशासन मास्टर कोई भी खरा नहीं उतर रहा, तो हमने तो डर लग गए इन बेटियाँ दे, इन बेटियाँ के खिलाफ तो भाई कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर यह चाल रहेंगे नहीं, अगर इसका नहीं कुछ बनया, कोई स्कूल में पढ़ा नहीं गा बच्चा छोरी अपने घर में बैठ जाएंगी, नहीं तो आप सारे जाना भाई बच्ची है दसवीं क्लास तक उसकी कोई कुछ नहीं बेरा होंगे भाई, बेचती हो वह इज्जत हो वह कॉलेज में जावे बच्चा, उसके बाद उसने ज्ञान आवे है, माँ बाप का के बेरा हुआ है, अच्छी बुराई का के बेरा हुआ है, नौवीं दसवीं के बच्चे हैं और उबरे खराब कर दिए हैं, नौवीं दसवीं तक आगे कर जाऊंगे, जान का कोई इरादा को नहीं भाई, हम तो सब टाप के माध्यम से सोमवार ने ठीक 10 बजे भाई खाप चौधरिया ने जमात जोड़ के नीची नैड करके भाई अपनी बेटियां खातर खड़े हो, और तहसील में पहुंचो और संज्ञान लो भाई अपनी करके, सारी बेटी अपनी है ना कि और किसी की। भाई जी क्या कहना चाहोगे? भाई साहब आप कह रहे थे ना महिला आयोग SIT, ये जब बदबू सुनसरण का मामला है जब भी यहीं थे, जब कहाँ जा रहे थे, संदीप सिंह का मामला था जब भी यहीं थे, तो इनसे कुछ दिए होने का, ये सारा कुछ समाज ने करना पड़ेगा, समाज ने खड़ा होना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जैसे महिलाओं का कोई भी संस्था है या तो जैसे स्कूल है, तो टीचर वही लगाने चाहिए महिला ही, क्या महिला प्रिंसिपल लगने का लायक नहीं है? पहली बात होना ही नहीं चाहिए। खेल का मैदान है कहीं पर कोच भी महिला की, महिला ही होनी चाहिए कोच, सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन इस सरकार का तो एजेंडा ये है शिक्षा को ख़त्म करना, खासकर महिलाओं को, अपनी खिलाड़ी बेटी जो भी है इसके माध्यम से आगे बढ़ रही है उनको रोकना है, ठीक है ना। जब हम अनपढ़ रहेंगे तो इनके खिलाफ पत्र करने वाला कोई रवे नहीं का, विपक्ष नाम की तो कोई चीज़ें नहीं, आपने देख भी लिया ना सेंटर में ना हरियाणा में, ये सारा विपक्ष तो मर चुका है, ये सिर्फ अपने ये जो आम जनता है इनकी वजह से जिंदा है, ठीक है ना। तो बड़ा मामला सामने आया है, गुरु का दर्जा दिया जावा है कि गुरु है एक माता पिता के बाद है, जो गुरु के बाद पास है, जो परिवार समझे कि सेफ है, भगवान का दर्जा दिया है, लेकिन उसके बाद है जो 60 लड़कियों का साथ है, जो छेड़छाड़ उत्पीड़न का मामला सामने आया है, और उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो रही है। तो किसान संगठन है जो इस को लेकर आज्ञा है कि बेटियों के साथ जो इस तरह की मामलों है उसके खिलाफ जो कड़ी तक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और सोमवार का टाइम भी दिया एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे ताकि इस तरह के मामले जो रुक जाएं, और कार्रवाई की मांग करी, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के मामले कई आए लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो लगातार बेटियों पर अत्याचार बढ़ते जाने लग रहे हैं, और राष्ट्रपति को उन्होंने लेटर लिखा है, महिला आयोग को लिखा, लेकिन अब तक भी कोई भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है, और ऐसे ऐसे एक टीचर की वजह से तो सारे टीचर है जो उनके ऊपर दाग लग जाए, हालांकि सभी ऐसे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं उनकी वजह से सभी टीचरों पर इस तरह के दाग लग जाए हैं। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपके सोच विचार क्या आपने कमेंट में देने हैं। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।